नमस्ते, आप सभी को स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अनुतमा ब्लॉग्स की एक और नए वीडियो में। तो आज है 23 तारीख, आज 23 जुलाई है और मंगलवार भी है। और आज हम लोग सब आए हैं पूरे परिवार मिलके बागेश्वर धाम में, यानी हमारे मध्य प्रदेश की छतरपुर जिला में जो बागेश्वर धाम है, बालाजी की जो मंदिर है, वहीं पर हम लोग आए हैं दर्शन करने। तो फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे हो अभी यहाँ पर अंधेरा क्यों है, क्योंकि हम लोग आए हैं बहुत ही सुबह सुबह। अभी सुबह की 5 ही बज रहे, हम लोग 4 बजे उठ के यहाँ पे आ गए मंदिर पे। और आज मंगलवार है, मंगलवार की पेशी भी है। और अभी आप लोगों को तो पता ही है गुरु पूर्णिमा था, इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ है, इसलिए हम लोग सुबह सुबह आ गए। और आप लोगों को मैं आज पूरा मंगलवार की जो पेशी है और बागेश्वर धाम बालाजी के दर्शन करवाऊँगी और परिक्रमा भी दिखाऊँगी। तो आप लोग बने रहना और देखते रहना आज पूरा दिन कैसे मैं परिक्रमा करती हूँ और पूजा करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे सुबह सुबह काफ़ी सारे दुकान भी खुल गए हैं जो प्रसाद सामग्री लेने के लिए होता है। तो हम लोग भी ये वाले प्रसाद की दुकान में आए हुए, और यहाँ से हम लोग आरजी बांधने के लिए नारियल और प्रसाद भी लेंगे और फूल भी लेंगे। तो आप लोग बने रहिए और देखते रहिए। तो फ्रेंड्स, आप लोग देखें यहाँ पे पास में आप लोग जो टीन शेड देख पा रहे हो, यहीं पे गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाया गया था और यहीं पे गुरुजी दरबार भी लगाते हैं। तो आप लोग देखें ये टीन शेड कितना बड़ा और कितना सुंदर बना हुआ है। और आप लोग देख रहे हो इतने सुबह सुबह कितने लोग भी यहाँ पे आ गए हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और सामने सब लोग जा रहे हैं बालाजी मंदिर के दर्शन करने के लिए और परिक्रमा लगाने के लिए और लाइन में भी खड़े होने के लिए। यहाँ पे आप लोगों को सामने जो बड़ा सा एक ऑफिस टाइप का देख रहा है, ये क्रमांक नंबर 1 है, ये कार्यालय है ये मंदिर के। यहाँ पे जाके आप लोग कोई भी जानकारी चाहिए, कुछ भी पूछना है इस मंदिर के बारे में, तो आप लोग यहाँ पे जाके जानकारी ले सकते हो। तो आप लोग भी यहाँ पे आइए और देखते रहिए। ठंडा पानी बा डल्लू भैया। लोग यहाँ पे देख सकते हो जिधर ही हो पूरे बागेश्वर धाम में हर जगह पे इंसान ही इंसान, जनता ही जनता दिख रहा है, क्योंकि अभी गुरु पूर्णिमा थे एक दो दिन पहले ही और आज मंगलवार की पेशी है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और ये सामने जो लाइन चल रही है, तो आप लोग देख सकते हो ये लोग सब दर्शन करके परिक्रमा लगा रहे हैं। साइड से खड़ी हो,
तो फ्रेंड्स हम लोग काफ़ी आगे चले गए थे क्योंकि आगे जाके हम लोगों को देखना था मंदिर कहाँ, मंदिर में पहुंचने के लिए लाइन कहाँ से शुरू है, लेकिन लाइन बहुत पीछे से है इसलिए हम लोग अब फिर पीछे जा रहे हैं और पीछे जाके लाइन में लग रहे हैं क्योंकि लाइन लगा के आप लोगों को बालाजी के दर्शन करने पड़ेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है। सब छिपे थे कल शाम रात को 8:30 बजे आए थे, उस टाइम इतना गाड़ी नहीं थी, जनता बहुत कम थी, अपने बहुत ही बड़ा लेके वापस चले गए। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो हम लोग बहुत ही पीछे आ गए हैं और आके यहाँ से हम लोगों ने देखा ये लाइन की आखिरी है तो यहाँ से हम लोगों ने लाइन लगाया और यहाँ से कम 1.5-2 किलोमीटर जाके आप लोगों को फिर मंदिर के दर्शन करने पड़ेंगे। तो हम लोग यही खड़े हुए, आप लोग देखते रहे। तो देखिए हम लोग काफ़ी दूर खड़े होने के बाद, काफ़ी ज़्यादा चलने के बाद यहाँ पे कार्यालय नंबर 1 के सामने खड़े हुए हैं जहाँ से लाइन चल रहे हैं और अभी भी काफ़ी 2 किलोमीटर चलना पड़ेगा हम लोगों को रास्ता, तब जाके हम लोगों को मंदिर के दर्शन मिलेंगे। तो देखिए आप लोग हम लोग कैसे पहुँचते हैं। यहाँ पे सामने आप लोगों को 1 वाला जो बिल्डिंग दिख रहा है, ये बिल्डिंग में कभी कभी गुरुजी सुबह सुबह 7-6 बजे आते हैं पूजा करने के बाद और यहीं पे सारे जनता जो सुबह दर्शन करने के लिए आते हैं, जो गुरुजी के दर्शन करना है, गुरुजी को देखना है, तो आप लोग यहाँ पे जमा हो सकते हो। अभी तो गुरुजी नहीं है यहाँ पे धाम पे तो इसलिए हम लोगों ने देखा नहीं, और आप लोग कभी आओ तो ज़रूर यहाँ पे मिलने आ जाइएगा। यहाँ पे गुरुजी आके आप लोगों को दर्शन देंगे और बात भी करते हैं और यहाँ पे आप लोग जरूर आइएगा। अपने परिजन से मिले। कार्यालय नंबर 1 के आगे जिसमें किसी बच्चे का ऑटो खड़ा है, वे तत्काल उस स्थान से अपना ऑटो उतारे। और यहाँ पे आप लोग देखिए यहाँ पे जो सारे जनता है यहाँ पे कितने अच्छे से परिक्रमा कीर्तन और भजन करते हुए कर रहे हैं, तो आप लोग इसके थोड़ा सा मजा लीजिए। और यहाँ पे देखिए एक भक्त जो है, एक औरत कैसे भगवान जी के सामने ऐसे ही मिट्टी में चलते हुए अपने शरीर से पूरा भगवान जी के मंदिर के सामने चल रहे हैं और उन्हीं के पीछे सब रोते हुए जा रहे हैं। ऐसी महिमा है बालाजी की जो इंसान को हर कुछ करने के लिए तैयार कर दे। मम्मी पीछे देखो, देखिए हम लोग लाइन में तो खड़े हो गए और लाइन में खड़े होते हुए लाइन आगे बढ़ते हुए हम लोग अभी पहुंच गए बिल्कुल सामने जिगजैग लाइन के सामने। तो हम लोग अभी जिगजैग लाइन में पहले प्रवेश कर रहे हैं, पहले वाली लाइन में। यहाँ से आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे भी बहुत सारा जिगजैग लाइन है, यहाँ से बहुत आगे और जाना पड़ेगा बालाजी के जो मंदिर के सामने। और हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं आगे आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पे देख रहे हो आप लोग काफ़ी जनता बने हुए हैं लाइन में, तो आप लोग देखते रहिए। वीडियो बना दो।
फ्रेंड्स आप लोग देख रहे हो, हम लोग जो ये टीन शेड वाले जिगजैग लाइन में खड़े हुए हैं, यहाँ से हम लोग धीरे धीरे एक एक लाइन क्रॉस करके आगे बढ़ रहे हैं और काफ़ी जनता है। अभी देखिए हम लोग बिल्कुल लास्ट वाले लाइन में पहुँच गए हैं और ये लास्ट वाले लाइन में पहुँचते ही हम लोगों को बहुत खुशी हो रहे थे क्योंकि हम बिल्कुल बालाजी के मंदिर के सामने ही आ गए हैं और अभी हमारे बालाजी के दर्शन होने वाले हैं, इसलिए हम बहुत ज़्यादा प्रसन्न है और बहुत ज़्यादा खुश भी है। और यहाँ से हम लोग बिल्कुल मंदिर में जा रहे हैं, तो आप लोग बने रहिए और देखते रहिए। तो फ्रेंड्स हम लोग आखिरी वाले लाइन में पहुंच गए हैं और यहाँ से आप लोग देख रहे हो बिल्कुल सामने बालाजी के मंदिर दिख रहा है और यहीं से सारे लोग जयकारा लगा रहे हैं, जय श्री राम जय सीताराम बालाजी महाराज बागेश्वर धाम की बोल के जयकारा लगा रहे हैं। तो हम लोग भी पहुंच रहे हैं, तो आप लोग देखिए सामने जो ऑरेंज कलर के आप लोगों को मंदिर दिख रहा है, यही है बालाजी के मंदिर। और अभी मंदिर में काम चल रहा है इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा दर्शन करने में लोग भागों को घूम के दूसरे लाइन से आना पड़ रहा है। तो चलिए आप लोग बने रहिए। तो फ्रेंड्स हम लोग बिल्कुल मंदिर के सामने पहुँच ही रहे हैं और यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे गुरुजी जो धीरेन्द्र शास्त्री जी है बागेश्वर धाम महाराज की, तो उनकी एक तस्वीर यहाँ पे आप लोगों को पोस्टर में दिख रहा है, तो आप लोग उन्हीं के भी दर्शन करिए। और यहाँ पे है प्रेतराज सरकार की जो पेड़ है वो भी है, इनमें भी सब लोग पूजा करते हैं। तो चलिए आप लोग मंदिर के ले आप लोगों को मंदिर में ले जाती हूँ और बालाजी महाराज के दर्शन करवाती हूँ। अभी इसने लगे चेतावनी करने के लिए कि आप चीटिंग मत करो, सावधान। ये हनुमान जी ने बताया है, मानो या ना मानो। फ्रेंड्स 3 से 4 घंटा लाइन में खड़े होने के बाद अब हमारी बारी आई बालाजी के मंदिर के और बालाजी के दर्शन करने के लिए। आप लोग देख सकते हो सामने ही हम लोग आ गए हैं और थोड़ा सा ही सामने जाके हम लोगों को दर्शन करने को मिलेंगे और आप लोग भी अच्छे से दर्शन करिए बालाजी महाराज के, तो बहुत ही अच्छा लगेंगे आप लोगों को। और यहाँ पर आने के बाद जीवन में जो शांति मिलता है, जो श्रद्धा मिलता है, वो आप लोगों को मैं बता नहीं सकती हूँ। तो आप लोग भी खुद आइएगा और दर्शन करिएगा, देखिएगा आप लोगों को कैसे लगता है। तो हम लोग बिल्कुल मंदिर के सामने बालाजी महाराज के एकदम सामने पहुंच गए, तो आप लोग बहुत अच्छे से बालाजी महाराज के दर्शन करिए और अपने अपने मन की इच्छा को उनको बताइए, वो आपको सारे दुख से सारे परेशानी से मुक्त कर देंगे। तो आप लोग अच्छे से दर्शन कीजिए और अपनी अपनी श्रद्धा बताइए, ठीक है। तो चलिए देखते रहिए। और अभी हम लोग दर्शन करने के बाद यहाँ पे जो साइड में रेलिंग बनी है वहाँ पे अर्जी बांधना होता है, जो अर्जी वाले जो नारियल आप लोग लेके आओगे वही बांधना पड़ता है। तो देखिए हम लोग भी यहाँ पे अर्जी के नारियल बांध रहे हैं। पहले मैं यहाँ पे अर्जी के नारियल बांधूँगी, फिर मेरे हस्बैंड भी बांधेंगे। तो आप लोग देखते रहिए और आप लोगों को कोई मन में इच्छा है या कुछ भी आप लोगों को मन की श्रद्धा है तो आप लोग भी यहाँ पर आके नारियल बांध सकते हो। और आप लोग देख सकते हो काफ़ी लोग यहाँ पे नारियल बांध रहे हैं अपने अपने अर्जी की। तो
आप लोग देख सकते हो अभी हमने बालाजी महाराज के दर्शन करी है और यहाँ पे आके हमने अर्जी के नारियल भी बांधी है, लेकिन हमारे पीछे अभी भी कितने लंबे लाइन लग रहे हैं बालाजी महाराज के दर्शन करने के लिए। वो लोग भी बहुत व्याकुल हो रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो आप लोग भी देखिए कितने जनता है और कितने श्रद्धालु आज आए हुए हैं, क्योंकि आज मंगलवार की पेशी भी करनी है सबको। तो चलिए बने रहिए। अरे यार आप सुन ही नहीं रही। दर्शन करने के बाद बालाजी के अभी हम लोग जा रहे हैं परिक्रमा लगाने। ये साइड में से जाके आप लोगों को परिक्रमा लगाने होती है पूरे मंदिर के, और यहाँ पे 21 परिक्रमा करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम लोग बहुत देर से लाइन में खड़े हुए हैं, तो हम लोग भी देखेंगे हम लोग कितने परिक्रमा कर सकते हैं। आप लोग जैसे आओगे तो आप लोगों से जैसे बनेंगे 1, 2, 7, 10, 11 जैसे परिक्रमा आपको करना चाहो कर सकते हो अपनी श्रद्धा के ऊपर से। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी है, इसलिए आराम आराम से हम लोगों को परिक्रमा करनी पड़ेंगे। और यहाँ पर देखो एक जो औरत है वो उनकी श्रद्धा से कैसे यहाँ पे रो रहे हैं और बालाजी के मंदिर के सामने, तो देखिए और बताइए। तो अच्छे से बागेश्वर बालाजी के दर्शन करने के बाद और बालाजी मंदिर में पूजा करने के बाद अब हम लोग निकल गए धाम से, और हम लोग अपने घर में आने के लिए अपने कार में बैठ गए हैं। और रास्ते पे हमको पहुंचना था कोई होटल में, क्योंकि सुबह से हम लोग कुछ भी खाए पिए नहीं थे, तो हम लोग ये वाली होटल में आए हैं नाश्ता और खाना खाने के लिए जो भी अपन करेंगे, क्योंकि अभी दोपहर भी हो गए, अभी अपन तो नाश्ता नहीं कर सकते। तो हम लोग यहाँ पर अभी खाना ले लिए हैं, हम लोग यहाँ पर खाना खा रहे हैं। और ये होटल भी बहुत ही अच्छा है, पहले भी हम लोग आए थे इसी वाले होटल में खाना खाए थे। यहाँ पे आप लोगों को शाकाहारी पूरा खाना मिल जाएंगे, जैसे हम लोग प्याज लहसुन भी नहीं खाते थे, तो हम लोगों ने बता दिया तो उसी हिसाब से खाना बना दिए हैं। और खाना बहुत ही अच्छा था, देख आप लोग देख रहे हो होटल भी बहुत अच्छा है। और आप लोग भी जब भी आओ तो यहाँ पर होटल में आके खाना खा सकते हो, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेंगे। इस होटल में खाना खाने के बाद हम लोग निकल गए हैं फिर घर आने के लिए भोपाल के तरफ। तो देखिए यहाँ पे रास्ते में हम लोग एक जगह रुक गए थे और साइड में ही एक जंगल था, जंगल के पास में इतने सारे जो बानर हम लोगों को दिख गए हनुमान, तो ये इतने प्यारे लग रहे थे, हम लोग आप लोगों को क्या बताएंगे। वो लोग कुछ देख रहे थे, हम लोग उनको कुछ खाने के लिए दे क्या, तो हम लोग यहाँ पर काफ़ी देर तक रुक गए थे। और हमारे पास फल फ्रूट थे, तो हम लोग एक एक करके इनको सबको फल खिला रहे थे, मौसम्बी और सेब और केला हमारे पास थे, वो हमने इन लोगों को दिया। और इन लोग भी देखिए मजे से खा रहे हैं कैसे, तो बोलते हैं बागेश्वर धाम की जो सेना है बानर सेना है वो हमें जाते समय रास्ते में मिल गए, और इनको हमने अपने हाथों से खाना भी खिलाया, तो हम लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप लोग भी हनुमान जी को देखिए और मजा लीजिए।
फ्रेंड्स, आप लोगों ने अभी सारे हनुमान जी को देखा होगा और आप लोग ज़रूर बताना, हम जो बागेश्वर धाम गए थे दर्शन करने बालाजी महाराज के, और आप लोगों को भी मैंने अच्छे से धाम घुमाया, अच्छे से दर्शन भी करवाया और परिक्रमा भी करवाया, तो आप लोग ज़रूर बताना आप लोगों को कैसा लगा। और अगर आप लोगों को पूरा बागेश्वर धाम वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और कॉमेंट्स में जय श्री राम ज़रूर बोलिए। मेरे चैनल अनुतमा ब्लॉग्स को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।